हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलीग के मैच के बारे में जो गाइस खेले जाएगी यहाँ से एडिलेड यूनाइटेड और सेंट्रल कोस्ट के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए हैं। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी समोर लीग टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो प्लेयर का रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो ए लीग की जो पॉइंट्स टेबल है उस पॉइंट्स टेबल पर इन दोनों टीमों की क्या रहती है पॉइंट स्टैंडिंग। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं ए लीग के पॉइंट्स टेबल पर। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं यहाँ से जो सेंट्रल कोस्ट है जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें एडिलेड यूनाइटेड की यहाँ से एट पोजीशन पर है। तो गाइस सेंट्रल कोस्ट ने 8 मैच खेले हैं जिसमें से 6 मैच इसने विन किए हैं और 2 मैच इसने लॉस किए हैं, 14 गोल स्कोर किए हैं और 7 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो गाइस 8 मैच में 14 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका टेक है, प्रत्येक मैच में 1.7 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है। वहीं पर बात करें इसने 8 मैच में 7 गोल कंसीड भी किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज गोल करती भी है, डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं गोल बहुत कम चांस रहते हैं गोल कंसीड करने के। तो गाइस अब बात करें यहाँ जो एडिलेड यूनाइटेड है, इसने भी 7 मैच खेले हैं जिसमें से 2 मैच इसने विन किए हैं लेकिन 1 मैच इसने ड्रॉ खेला है और 4 मैच इसने लॉस किए हैं, 8 गोल स्कोर करें और 14 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो गाइस 7 मैच में 8 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका टेक है, प्रत्येक मैच में 1.1 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखती है। वहीं पर बात करें इसने 7 मैच में 14 गोल कंसीड भी किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज गोल करती भी है लेकिन डिफेंसिव वाइज काफ़ी गंदा परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं गोल जरूर कंसीड करती है। तो गाइस अब बात करें कौन सी टीम को इस मैच में हम फेवर करें, ऑब्वियसली कि यहाँ से हम सेंट्रल कोस्ट को इस मैच में फेवर करेंगे, लेकिन गाइस इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहता है जब ये दोनों टीम आपस में खेलती हैड टू हेड मैच में। तो गाइस यहाँ से बात करें हेड टू हेड मैच की, इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैच में से एडिलेड यूनाइटेड ने 4 मैच विन किए हैं जो कि शॉकिंग है। वहीं पर बात करें एक ही मैच लॉस किया है और 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया, 0.8 गोल पर मैच कंसीड किया। अटैकिंग वाइज एडिलेड यूनाइटेड गोल करती है लेकिन डिफेंस वाइज बहुत कम चांस रहते हैं गोल कंसीड करने के जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैच खेलती हैं। तो गाइस बात करें एडिलेड यूनाइटेड जो मतलब जो इन दोनों टीमों का पिछला मैच हुआ था ना, तो यहाँ से एडिलेड यूनाइटेड 2-0 से विन कर गई थी और यहाँ से उससे पिछले मुकाबले यहाँ से सेंट्रल कोस्ट 2-1 से विन कर गई थी। बाकी यहाँ सारे मैच यहाँ से एडिलेड यूनाइटेड ने वन साइड ही विन किए थे, लेकिन उस टाइम पर यह टीम काफ़ी प्रभावित थी और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन आज के वक्त में यहाँ से सेंट्रल कोस्ट काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ से जो एडिलेड यूनाइटेड है उसका जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से एडिलेड यूनाइटेड ने पिछले 6 मैच में से 2 ही मैच विन किए हैं और 4 मैच इसने लॉस किए हैं। 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन 2.3 गोल पर मैच कंसीड किया। अटैकिंग वाइज गोल कर भी देती है लेकिन डिफेंस वाइज कहीं ना कहीं 2-3 गोल कंसीड पर मैच कर देती है। तो गाइस बात करें जो पिछला मैच अपना ये एडिलेड यूनाइटेड मकार्थर एफसी से खेल कर आई जिसमें 4-0 से एडिलेड यूनाइटेड हार गई थी, और उससे पिछले मुकाबले यहाँ से पर्थ ग्लोरी से 2-1 से हार गई थी, उससे पिछले मुकाबले यहाँ से 3-1 से लॉस किया, फिर यहाँ से मेलबर्न विक्टोरी से विन किया था 1-0 से, और फिर यहाँ से 5-3 से लॉस, फिर यहाँ से 2-0 से लॉस किया था। तो गाइस नहीं, 2-0 से इसने विन किया था। तो इसका रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो कितना बेकार है। अब गाइस बात करते हैं जो सेंट्रल कोस्ट है जो उसका रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में। तो गाइस सेंट्रल कोस्ट ने पिछले 6 मैच में से अपने 4 मैच विन किए हैं और 2 मैच के लॉस। 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन 1.2 गोल पर मैच कंसीड किया। अटैकिंग वाइज गोल कर भी देती है लेकिन डिफेंसिव वाइज यही कहीं ना कहीं एक गोल कंसीड भी कर देती है। तो गाइज बात करें जो अपना पिछला मैच वेलिंगटन फोनिक्स के खिलाफ खेल कर आई जिसमें 2-0 से इसने विन किया था, उससे पिछले मुकाबले यहाँ से वेस्टर्न यूनाइटेड से खेल कर आई 3-2 से विन किया था, फिर उससे पिछले मुकाबले यहाँ से मेलबर्न सिटी से विन किया था जो कि पिछले सीजन के वन ऑफ द बेस्ट टीम थी मेलबर्न सिटी, उसके अगेंस्ट में भी इसने 3-2 से विन किया था। तो इसीलिए मैं यहाँ से बैक करने वाला हूँ यहाँ से सेंट्रल कोस्ट को, उससे पिछले मुकाबले वेलिंगटन फोनिक्स से विन किया लेकिन फिर सिडनी एफसी को भी इसने 2-0 से हराया। तो यहाँ से दिखता है ना अटैक प्लस डिफेंस में कितना पैसे इनकम है। वहीं पर बात करें उससे पिछले मुकाबले यहाँ से 1-0 से इसने लॉस किया था। तो रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग तो यहाँ से गई सेंट्रल कोस्ट एक बेहतरीन टीम है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ से एडिलेड यूनाइटेड ने अभी तक कोई मैच मतलब जल्दी से लॉस नहीं किया। तो उस कंडीशन में ना आप एक ग्रैंड लीग टीम बना लेना किसका अगेंस्ट में, यहाँ से एडिलेड यूनाइटेड का फेवर में,
क्योंकि इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है, तो ग्रैंड लीग में इसको जरूर यूज करना, और समोर लीग तो आप हम सभी को यहाँ से सेंट्रल कोस्ट को ही बैक करना होगा। तो गाइस बात करते हैं इस मैच में जो स्कोर लाइन प्रेडिक्शन हमारी, वन गोल यहाँ से सेंट्रल कोस्ट और वन गोल यहाँ से एडिलेड यूनाइटेड, क्योंकि ये गोल कर भी देती है लेकिन कहीं ना यहाँ से जो एडिलेड यूनाइटेड टू गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने के एवरेज है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से 2-1 का भी प्रेडिक्शन देख सकते हो आप खुद की टीम में। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम यहाँ से 1-1 और या 2-1 के प्रेडिक्शन अनुसार ही हम अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे इस मैच में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए हैं। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे यहाँ से एडिलेड यूनाइटेड प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे यहाँ से सेंट्रल कोस्ट के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से एडिलेड यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस एडिलेड यूनाइटेड टीम की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर यहाँ से मोहम्मद टोरे है जिसने 2 गोल किए हैं, और यहाँ से नाथन है जिसने 2 गोल किए हैं, और स्टीफन मॉक है जिसने 2 गोल किए, और बेन होलारेन और टॉमी जूरिक ने एक एक गोल किया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक खुद की टीम बनाने में आपके लिए काफ़ी किफ़ायत रहेंगे ये प्लेयर्स का रिकॉर्ड। तो गाइस अब बात करते हैं जो इस टीम की तरफ से हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर ने किया उसके बारे में। तो गाइस एडिलेड यूनाइटेड टीम की तरफ से हाईएस्ट असिस्ट यहाँ से पिछले 6 प्लेयर हैं, मतलब आप 6 ने सबने एक एक असिस्ट किया। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद की एक टीम बनाने में काफ़ी आसान रहेगी। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आते हैं, टोरे, बेल होलारेन और यहाँ से लुइस डा एरिगो, क्योंकि ये इंटरसेप्शन और टैकल का पॉइंट काफ़ी बेहतरीन देगा, तो उस कंडीशन में आप इसे ना इग्नोर मत करना, मेरे कहने का मतलब यही, चाहे इसका सिलेक्शन 3% क्यों ना हो। तो गाइस बात करते हैं जो सेकंड टीम है सेंट्रल कोस्ट, उसके प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए, तो देख लेते हैं एक बार। तो गाइस सेंट्रल कोस्ट की टीम की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर यहाँ से अलोक कोल है जिसने 5 गोल किए हैं, और यहाँ से मैट सिमोन जिसने 3 गोल किए, लेकिन ये अपनी टीम की तरफ से पेनल्टी लेता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए है, और डेनियल डे सिल्वा है जिसने 2 गोल किए हैं, और यहाँ से बोजनिक है 1 गोल किया लेकिन पेनल्टी में किया। तो इन दोनों में से जो भी स्टार्टिंग लाइनअप में रहेगा, नहीं दोनों रहेंगे स्टार्टिंग लाइनअप में, लेकिन जब गोल पेनल्टी मिलेगा तो कौन सी प्लेयर, मतलब जो प्लेइंग 11 रहेगा उस कंडीशन अनुसार यहाँ से पेनल्टी लेगा, तो ये बेस्ट ऑफ लक रहता है। और यहाँ से जडेन है जिसने 1 गोल किया, और बाकी सभी ने 1 गोल किया, 2-2 गोल किए, 3-3 गोल, 5-5 गोल किए। स्क्रीनशॉट ले लो यार, और प्लेयर का रिकॉर्ड देखने के बाद खुद की एक टीम बनाओ, काफ़ी बेहतरीन बनेगी, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो गाइज अब बात करते हैं जो इस टीम की तरफ से हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर के उसके बारे में, तो देख लेते हैं। तो गाइज इस टीम की तरफ से हाईएस्ट असिस्ट डेनियल डी सिल्वा है जिसने 2 असिस्ट किए, और यहाँ से डेनियल बाउमैन है जिसने 2 असिस्ट किए, अलाउ कॉल है 1 असिस्ट, बाकी सभी ने 1-1 असिस्ट किया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक खुद की टीम बनाने में काफ़ी आसान रहेगी इस मैच में। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से हमारी जो ड्रीम 11 की प्रेडिक्शन थी इस मैच में, मतलब इस मैच की प्रेडिक्शन थी 2-1 या 1-1 के अकॉर्डिंग क्या रहेगी हमारी इस मैच में जो ड्रीम 11 टीम है उसके बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ से ड्रीम 11 के बाद टीम। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले आज के जो फुटबॉल मैच की वीडियो उन सभी की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड कर दी जाएगी, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आए हमारी वीडियो का। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से हमारी ड्रीम 11 टीम बारे में, तो देख लेते हैं क्या रहेगी इस मैच में। तो गाइज फिलहाल के लिए हमारी टीम यहाँ से ये होने वाली, जिसमें कैप्टन बनाया यहाँ से एल कोल को, और वाइस कैप्टन बनाया यहाँ से डी सिल्वा को, और आप यहाँ से बेल होलारेन को बना सकते हो और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन बोजानिक को अगर बना रहे हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, बिना गोल असिस्ट के ना आपके लिए कम से कम 35-40 पॉइंट आराम से दे जाएगा, तो उस कंडीशन में आपने इसको बोजानिक को वाइस कैप्टन कर सकते हो। मैट सिमोन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, अगर पेनल्टी मिलेगी तो गोल करेगा, उस कंडीशन में आप दे सकते हो, लेकिन मोहम्मद टोरे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जो आप प्लीज ग्रैंड लीग में यूजबल हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल लिए सेंटर फॉरवर्ड बात करते हैं, यहाँ सबसे पहले आएगा उरीना, अगर ये स्टार्ट करें काफ़ी अच्छा खेलता है, 70 मिनट खेलता, और मुझे लगता है अगर ये खेलेगा ना तो पक्का गोल करेगा, उस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ से आपके लिए बाउमैन है लेकिन स्टीफन मॉक है, मैं यहाँ से प्रेफरेंस नहीं देता, लेकिन डी एरिगो जो बिना गोल असिस्ट किया आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट देगा, और जैन निस्बत अगर ये खेलेगा तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप आँख बंद करके पिक कर सकते हो, कम से कम 40 पॉइंट देने का मतलब काबिलियत रखता है। और जी सटैन नेस जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये भी आपके लिए बिना गोल असिस्ट के इंटरसेप्शन और टैकल का पॉइंट काफ़ी बेहतरीन देगा, तो उस कंडीशन अनुसार आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। और बाकी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं, जेयुल ये भी कुछ खास नहीं है बाकी, और आप यहाँ सीमित और जकोबसन को कंडीशन पिक करना कि लगे कि यहाँ से आज एडिलेड यूनाइटेड
मतलब इस मैच में विन करेगी और ग्रैंड लीग में इन दोनों को ना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो अपनी ड्रीम इलेवन की टीम में। लेकिन इसलिए नहीं पिक किया भाई क्योंकि यहाँ से जो फेवरेट टीम है यहाँ सेंट्रल कोस्ट है, तो उस कंडीशन में ये माइनस पॉइंट देने लगे तो क्या करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने पिक नहीं किया, मैं यहाँ से टोंगिक को, जैक क्लिसबी को और के रावल्स को और एक इंपॉर्टेंट है स्टीफन निग्रो, इसको भी आप पिक करके चल सकते हो। तो गाइज अब बात करते हैं, हमारी फाइनल टीम तो ये है, लेकिन टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल सर्च कर लें क्रिकेट पॉड। जैसे ही आप क्रिकेट पॉड सर्च करोगे इस तरह लोगो दिखाई देगी जिस तरह हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। तो गाइज इंपॉर्टेंट बात जो आपसे बोला था कि मैं टेलीग्राम पे कि काफ़ी मेंबर्स बोल रहे हैं कि इस भाई जो आप टीम डालते हो दो मिनट में हमारे से एडिट नहीं हो पाते, तो गाइज एनालाइज हो गई ना इस मैच की। तो अब है इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो आप इस टीम को देखो, इस टीम में एक चीज़ देखो कि यहाँ से जो एडिलेड यूनाइटेड है ना उसके चार प्लेयर लिए हमने, लेकिन सेंट्रल कोस्ट के यहाँ से सात प्लेयर ले चुके हैं। तो उस कंडीशन में आपको टीम बनानी, आपको ये सोच के चलना कि मैंने टीम डाल दी और आपको पता है कि यहाँ सात प्लेयर उस टीम के और चार प्लेयर उस टीम के, तो क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे आप टीम मतलब क्रिएट टीम करो तो यहाँ से क्लिक करना इस थ्री डॉट पर, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जैसे हमने सात प्लेयर लिए हैं सेंट्रल कोस्ट के, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से सबसे पहले गोलकीपर देखो, हल्की टीम का गोलकीपर हमेशा मैं पिक करता हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा। और यहाँ स्ट्रॉन्ग जैक क्लिसबी और के रावल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल चार लिए, तो यहाँ से फिर उन सभी को और सलेक्शन परसेंटेज बहुत दबा रहे हैं क्योंकि जब टीम मिलती है ना वो जो सलेक्शन वाले प्लेयर रहते हैं वो आ जाते हैं ऊपर, और जो जिनका सलेक्शन कम होता रहा और पॉइंट कम होते हैं और मतलब जो क्रेडिट कम होता है वो सब चले जाते हैं नीचे। लेकिन अगर बाई चांस इसका आपको लाइनअप में नहीं दिया लेकिन सबको सबसे ऊपर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका क्रेडिट है ना वो ऊपर की ओर है उसका ज़्यादा, लेकिन अगर ये इस मैच में नहीं खेलेगा तो फिर नीचे क्रेडिट चले जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि आपने सलेक्शन पे इस पर टिक किया करो, मतलब सेलेक्टेड बाई पर, तो टीम बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम आपके लिए बताते हैं इस मैच में जो हमारी ड्रीम टीम थी ये उसके बारे में। तो यहाँ से हमने पिक किया जैसे गोलकीपर हमने नहीं पिक किया, यहाँ से पिक किया टोंग या क्रिस भी और यहाँ से ये इन सभी को पिक करना, क्योंकि ना इतना आसान होगा कि सेकंड टीम पर जैसे जाओगे टोरे जैसे फॉर एग्जाम्पल बैन होलर एन डी एल रहोगी और यहाँ से सीधा गोलकीपर और ये आपकी टीम बन गई। तो कंडीशन बिल्कुल आसान है कि आपने चार सात कॉम्बिनेशन रखता है और चार सात कॉम्बिनेशन के अनुसार अपनी टीम बनाए करो। आप देख सकते हो यहाँ से मतलब हमने सेंट्रल कोस्ट के कितने लिए हैं, एडिलेड यूनाइटेड के कितने लिए, आप जब टीम डालते हो उसी में दिख जाता है ये सब। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, आई होप सबने अंडरस्टैंड किया होगा क्योंकि सात चार के कॉम्बिनेशन के अनुसार ही जो अपने देख लेना कौन सी टीम का हमने सात प्लेयर ने पहले उस पर यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसकी टीम का सात मतलब उस टीम को ओपन करना। यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सेंट्रल मिनरल्स के प्लेयर लिए हैं तो यहाँ सेलेक्टेड बाय करना, सेलेक्टेड बाय जैसे रहेगा ऊपर की ओर रहेगा तो उसको हम ऐसे ही अपनी टिप किए, एक दो प्लेयर चेंज होंगे क्योंकि ना अगर आप 22 खिलाड़ी खेलेंगे तो 22 को तो हम पिक नहीं करेंगे, ये तो आपको पता, हम 11 प्लेयर पिक करेंगे, लेकिन 11 प्लेयर में आपको पता ना कितनी लंबी लिस्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल मिडफील्डर में कितनी लंबी लिस्ट होगी, तो इनमें से कौन प्लेयर पिक करेंगे आपको ऐसे ढूंढने में लग जाएगी यार कहाँ पर है कहाँ नहीं यार कहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा क्लिक करो मतलब एडिलेड यूनाइटेड का और उसका प्लेयर उठाओ जो है ऊपर की ओर सेलेक्टेड बाय पर, आई होप सब अच्छा करोगे। मुझे पता बहुत जल्द आपको ना एक मिनट भी नहीं लगेगी, मुझे पता 30 सेकंड में आप खुद की टीम बना सकते हो। तो तीन दिन में ये वो है, ज़्यादा टॉनिक नहीं है, ये सब समझने का लॉजिक है। तो आई होप सबने मतलब अंडरस्टैंड किया होगा इस ट्रिक को भी, और मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ तो इसलिए बोला आपसे भी, क्योंकि जब टाइम मेरे पास नहीं होता मैं उसी कंडीशन में सात चार कॉम्बिनेशन देखता हूँ और देखता हूँ कौन सी टीम हाईएस्ट प्लेयर ले, तो सबसे पहले उसको टिक करता हूँ और सेलेक्टेड वाई पर और तुरंत कैप्टन वाइस कैप्टन देता हूँ जो होते हैं। तो मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन, नहीं तो आप हम टेलीग्राम चैनल सर्च कर लें क्रिकेट पॉड, जैसे आप क्रिकेट पॉड सर्च करोगे इस तरह लोग दिखाई देगा जिस तरह हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। तो नेक्स्ट मैच में